हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएस के ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो की तरफ से आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो V20 प्रो के बारे में, जो कि वीवो V19 प्रो का यूथ सक्सेसर होगा, जिसके अंदर हमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन का सिस्टम देखने को मिलेगा और इसी के साथ हमें मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर एंड 4500 mAh की बैटरी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं वीवो V20 प्रो स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके अंदर आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे और कब तक और कितने प्राइस पॉइंट के अंदर ये फ़ोन मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड और डिज़ाइनिंग से। तो इसके अंदर आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, जो कि ग्लॉस ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आता है, एंड इसी के साथ आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप विद LED फ्लैश भी देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.44 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि डुअल पंच होल कटआउट के साथ आने वाला है, जिसका रेजोल्यूशन होगा 1080x2400 पिक्सल। और इसी के साथ आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और इसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। एंड अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि डुअल 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और ये 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है, जिसमें फ्रंट टच OS के साथ एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो इसके बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर 64MP का होगा, जिसके अंदर गिम्बल स्टेबलाइजेशन का सिस्टम देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको 3 लेंस और देखने को मिलेंगे, जिसमें एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर होगा और एक माइक्रो लेंस होगा। वहीं पर अगर बात करें इसके सेल्फी शूटर के बारे में, तो इसके फ्रंट में आपको 44+8MP के डुअल पंच होल सेल्फी कैमराज देखने को मिलेंगे। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और 33W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक एंड IR ब्लास्टर जैसे फीचर्स। और अब बात करते हैं इसके रैम एंड स्टोरेज के बारे में। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन मार्केट के अंदर 2 रैम वेरियंट में लॉन्च हो सकता है, 8GB+128GB, 8GB+256GB। और अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट में इसके बेस वेरिएंट की प्राइस होगी लगभग 30,000 रुपये के आसपास। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में नवंबर के फर्स्ट वीक तक लॉन्च हो सकता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।